मंत्री परिषद के मेरे साथी कॉरपोरेट अफेयर्स राज्य मंत्री श्रीमान पीपी चौधरी जी, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, आज ICSI अपने 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस अवसर पर मैं इस संस्था से जुड़े सभी लोगों को और इस 49 वर्ष की यात्रा में भी जिन जिन ने योगदान दिया है उन सबका भी अभिनंदन करता हूं। आज मुझे खुशी है कि मैं एक विशिष्ट प्रकार के विद्वानों के बीच में आया हूं। जो इस बात के लिए जिम्मेदार है कि देश में मौजूदा प्रत्येक कंपनी कानून का पालन करे, अपने वही खातों में गड़बड़ी न करे, पूरी पारदर्शिता रखे। आप अपनी जिम्मेवारी जिस तरह से निभाते हैं उसी से देश का कॉरपोरेट कल्चर कैसा होगा ये तय होता है। आपकी संस्था का मोटो है धर्मम चरा, यानी सत्य बोलो और नियम कानून का पालन करो। आपकी दी हुई सही या गलत सलाह देश के कॉरपोरेट गवर्नेंस को प्रभावित करके ही रहती है। साथियों, कई बार ऐसा भी होता है जब शिक्षा एक दी गई हो लेकिन उसे ग्रहण वाले लोगों का आचरण भिन्न भिन्न रहता है। जैसे एक ही शिक्षा युधिष्ठिर ने भी ली थी, दुर्योधन ने भी ली थी, लेकिन बर्ताव दोनों का बिल्कुल अलग रहा। महाभारत में दुर्योधन ने कहा, आप कहते हैं सत्यम वद धर्मं चरः, दुर्योधन ने कहा जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, यानी ऐसा नहीं है कि मैं धर्म और अधर्म के बारे में नहीं जानता था लेकिन धर्म के मार्ग पर चलना मेरी प्रवृत्ति नहीं बन पाई और अधर्म के मार्ग से मैं निवृत्त नहीं हो सका। ऐसे ही लोगों को आपकी संस्था का सत्यम वद धर्मम चरः का पाठ सही रास्ते पर जाने की दिशा देता है, उसकी याद दिलाता है। देश में ईमानदारी को, पारदर्शिता को इंस्टीट्यूशनलाइज करने में आपके संस्थान की बहुत बड़ी भूमिका है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने कहा है, एकिन शुष्क वृक्षेण दह्य मानेन बहिनना, दह्यते तत् वनम सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा, यानी जैसे पूरे वन में
अगर एक ही सूखे वृक्ष में आग लग जाए तो पूरा वन जल जाता है। उसी प्रकार परिवार में कोई एक भी गलत काम करे तो पूरे परिवार की मान मर्यादा, इज्जत प्रतिष्ठा सब धूल में मिल जाती है। साथियों, ये बात संस्था के लिए भी लागू होती है, देश के लिए भी लागू होती है और शत प्रतिशत लागू होती है। हमारे देश में भी मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो देश की प्रतिष्ठा को, हमारी ईमानदार सामाजिक संरचना को कमजोर करने का काम करते रहते हैं। इन लोगों को सिस्टम और संस्थाओं से हटाने के लिए सरकार ने पहले ही दिन से स्वच्छता अभियान शुरू किया हुआ है। और इस स्वच्छता अभियान के तहत सरकार बनते ही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बनाई गई, जो सुप्रीम कोर्ट ने कई वर्षों पहले कहा था। हमारी सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में वो काम कर लिया। विदेश में जमा काले धन के लिए बहुत कठोर ब्लैक मनी एक्ट बनाया गया। चुनाव भी किया, उनके साथ बैठ करके नए तरीके ढूंढे। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड बनाया गया। 28 साल से अटका हुआ बेनामी संपत्ति कानून किया गया। कई वर्षों से लटका हुआ गुड एंड सिंपल टैक्स जीएसटी, लागू किया गया। डीमोनेटाइजेशन का फैसला लेने की हिम्मत भी इसी सरकार ने दिखाई। भाइयों और बहनों, इस सरकार ने देश में संस्थागत ईमानदारी को मजबूत करने के लिए काम किया है। यह सरकार के अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि आज देश की अर्थव्यवस्था कम कैश के साथ चल रही है। डीमोनेटाइजेशन के बाद कैश टू जीडीपी रेशियो अब 9% आ गया है, 9% आ गया है। 8 नवंबर इतिहास में भ्रष्टाचार मुक्ति के अभियान का प्रारंभ दिवस माना जाएगा 8 नवंबर। आठ नवंबर 2016 से पहले ये रेशियो 12% था, आज 9% है। अगर देश की अर्थव्यवस्था में ईमानदारी का नया दौर शुरू नहीं हुआ होता तो क्या यह संभव था? और आपसे अच्छा इसको कौन जानता है कि पहले जिस तरह आसानी से ब्लैक मनी का लेन देन होता था, अब वैसा करने में पहले लोगों को 50 बार सोचना पड़ता है। और मुझसे ज्यादा आप जानते हैं इस बात को। साथियों, महाभारत में ही एक और किरदार थे, शल्य का नाम सुना होगा आपने। ये शल्य वैसे कर्ण के सारथी थे, उधर अर्जुन के साथी कृष्ण थे, इधर कर्ण के सारथी शल्य थे। लेकिन ये शल्य जो भी युद्ध में था उनको हतोत्साहित करने का ही काम करना, उससे क्या लड़ोगे, तुम्हारे पास तो कोई दम नहीं है। अरे, तुम्हारे घोड़े में दम नहीं है, तुम्हारे रथ में दम, ऐसा ही बस यही काम। अब ये शल्य इंसानी ऐसा नहीं है, शल्य एक वृत्ति है।
और कोई महाभारत के में युग में ही थी ऐसा नहीं, आज के युग में भी है। कुछ नहीं होगा, कैसे करोगे? जब ये डोकलाम हुआ तो लोग निराशा, यानी कुछ नहीं कर सकते भाई, हमारा कुछ लोगों को निराशा फैलाने में बड़ा आनंद आता है, अद्भुत आनंद, उनको रात को बहुत अच्छी नींद आती है। और ऐसे लोगों के लिए आजकल एक क्वार्टर की ग्रोथ कम होना जैसे सबसे बड़ा खुराक मिल गया है। अब ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। ऐसे लोगों को जब डाटा अनुकूल होता है तो उन्हें वो इंस्टीट्यूट भी अच्छी लगती है, वो प्रोसेस भी सही लगता है। लेकिन जैसे ही ये डाटा उनकी कल्पना के प्रतिकूल होता है तो ये कहते संस्थान ठीक नहीं है, प्रोसेस ठीक नहीं है, करने वाले ठीक नहीं है, भांति भांति के आरोप लगाते हैं। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ऐसे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है कि शल्य वृत्ति को जब तक हम नहीं जानेंगे, हम सत्य के रास्ते की जो सोच रहे हैं ना, सत्यम बोध, साथियों क्या आपको लगता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में जीडीपी की ग्रोथ किसी तिमाही में 5.7% तक पहुंची है? क्या पहली बार हुआ है क्या? पिछली सरकार में 6 साल में 8 बार ऐसे मौके आए जब विकास दर 5.7% या उससे नीचे गिरी थी। देश की अर्थव्यवस्था ने ऐसे क्वार्टर्स भी देखे हैं जब विकास दर, भूलिए मत पुरानी बातों को, जब विकास दर 0.2% 1.5% यहां तक गिरी थी। ऐसी गिरावट अर्थव्यवस्था के लिए और ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि उस कालखंड में खतरनाक क्यों होती है मैं बताता हूं, क्योंकि इन वर्षों में जब ये ग्रोथ रेट इतनी नीचे गिरी थी, भारत का हायर इन्फ्लेशन, हायर करंट अकाउंट डेफिसिट और हायर फिस्कल डेफिसिट से जूझ रहा था। ऐसी संकट की घड़ी में यह हाल हुआ था। साथियों अगर 2014 के पहले के 2 वर्ष यानी साल 2012-13 और हमारी सरकार और उनके 13-14 देखें तो औसत वृद्धि 6% के आसपास थी। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अपने 2 ही साल क्यों लिए, क्योंकि आजकल शैल्य वृत्ति कुछ भी काम कर सकती है। दो साल का संदर्भ मैंने इसलिए लिया क्योंकि इस सरकार के 3 साल और पिछली सरकार के आखिरी के 2 सालों में जीडीपी डाटा तय करने का तरीका एक ही रहा है, इंस्टीट्यूशन सेम, प्रोसेस सेम, और इसलिए तुलना करना स्वाभाविक सरल होता है। जब सेंट्रल सिस्टम
जब सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स हमारी ऑफिस सीएसओ ने इस सरकार के दौरान जीडीपी में 7.4% की वृद्धि का डाटा रिलीज किया था तो यही लोगों ने इसे खारिज कर दिया था और क्या कहा था कि ग्राउंड रियलिटी में हमें ऐसा लग नहीं रहा है। हमारी जो शैल्य वृत्ति है उसमें ये फिट नहीं होता है। वही इंस्टीट्यूशन उस समय पसंद नहीं थी, पद्धति पसंद नहीं थी, लेकिन 5.6 हुआ, एकदम मजा आ गया। हाँ, ये इंस्टीट्यूट अच्छी है। और ऐसे लोग कहते थे कि उन्हें फील नहीं हो रहा, अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, ये हमारे गले नहीं उतरता है। इसलिए इन चंद लोगों ने ये प्रचार शुरू कर दे दिया कि जीडीपी तय करने के तरीके में कुछ गड़बड़ है। तब ये लोग डाटा के आधार पर नहीं, अपनी फीलिंग पर बातें कर रहे थे और इसलिए उन्हें अर्थव्यवस्था में विकास होता नहीं दिख रहा था। साथियों, लेकिन जैसे ही पिछले दो क्वार्टर में विकास दर 6.1 और 5.47% हुई, इन्हीं शैल्य वृत्ति को ये डाटा बहुत प्यारा लगने लगा, बहुत भाने लगा। हाश कुछ हमारे मन का हो गया। साथियों, मैं ना कोई अर्थशास्त्री हूं और ना ही कभी मैंने अर्थशास्त्री होने का क्लेम किया है, लेकिन आज जब ये अर्थव्यवस्था पर इतनी चर्चा हो रही है तो मैं आपको जरा फ्लैशबैक में भी लेकर जाना चाहता हूं। एक वो दौर था जब अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भारत को एक नए ग्रुप का हिस्सा बनाया गया था और ये नया ग्रुप यानी आपको लगता होगा G7 होगा, G8 होगा, G20 होगा, इसमें कहीं रखा होगा, जी नहीं। इस ग्रुप का नाम था फ्रेजाइल 5। इसे ऐसा डेंजरस ग्रुप माना गया था जिसकी खुद की अर्थव्यवस्था तो एक समस्या थी, लेकिन दुनिया को लग रहा था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की रिकवरी में भी ये बाधा बन रहे हैं और उसमें भारत का नाम था। यानी हमारा तो हम ठीक नहीं कर पाएंगे लेकिन हम औरों का भी बुरा करेंगे, ये इसलिए फ्रेजाइल 5 के ग्रुप में ये भारत का नाम जोड़ दिया गया था। मेरे जैसे अर्थशास्त्र के कम जानकार को अब भी ये समझ नहीं आ रहा है कि उस समय बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के रहते ऐसा कैसे हो गया। आपको यह अवश्य याद होगा कि हमारे देश में उस समय जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा इन्फ्लेशन में ग्रोथ थी, इसी की चर्चा होती थी। फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट में ग्रोथ पर चर्चा प्रमुख रहती थी। रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में ग्रोथ होने पर अखबारों में हेडलाइन की खबरें बना करती थी। यहां तक कि इंटरेस्ट रेट में ग्रोथ भी सभी की चर्चा में शामिल हुआ करता था। देश के विकास को विपरीत दिशा में ले जाने वाले ये सभी पैरामीटर्स तब कुछ लोगों को पसंद आते थे। अब जब वही पैरामीटर्स सुधरे हैं, विकास को सही दिशा मिली है, तो ऐसे कुछ लोगों ने आंखों पर पर्दा डाल दिया है। इस पर्दे के कारण उन्हें दीवार पर स्पष्ट लिखी चीजें भी नहीं दिखाई दे रही है और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।
मैं कुछ स्लाइड भी आपको दिखा रहा हूं। 10% से ज्यादा की इन्फ्लेशन कम होकर अब इस साल औसतन 2.5% से पर आ गई है। कहां 10 कहां 2.5, लगभग 4% का करंट अकाउंट डेफिसिट औसतन 1% के आसपास आ गया है, आप देख सकते हैं। इन सारे पैरामीटर्स को सुधारते समय केंद्र सरकार अपना फिस्कल डेफिसिट पिछली सरकार के 4.5% से घटाकर 3.5% पर ले आई है। आज विदेशी इन्वेस्टर्स भारत में रिकॉर्ड निवेश कर रहे हैं। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग 30,000 करोड़ डॉलर से बढ़कर 40,000 करोड़ डॉलर के पार कर गया है। 25% वृद्धि, अर्थव्यवस्था में सुधार, ये विश्वास, ये सफलताएं शायद उनकी नजर में मायने नहीं रखती है। इसीलिए देश के लिए अभी ये सोचने का समय है कि कुछ लोग देश हित साध रहे हैं या किसी और का हित साध रहे हैं। साथियों, ये बात सही है कि पिछले 3 वर्षों में 7.5% की औसत ग्रोथ हासिल करने के बाद इस वर्ष अप्रैल जून की तिमाही में जीडीपी ग्रोथ में कमी दर्ज की गई है। हम इसका इनकार नहीं करते, लेकिन यह बात भी उतनी ही सही है कि सरकार इस ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, क्षमतावान है, हम फैसले लेने के लिए तैयार है। कई जानकारों ने इस बात पर सहमति जताई है कि देश की अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल स्ट्रांग है। हमने रिफॉर्म से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी मेंटेन रखा जाएगा, निवेश बढ़ाने के और आर्थिक विकास को गति देने के लिए हम हर आवश्यक कदम उठाते रहेंगे। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार द्वारा लिए गए कदम देश को आने वाले वर्षों में विकास की एक नई लीग में रखने वाले हैं। आज भी रिजर्व बैंक ने कहा है कि नेक्स्ट क्वार्टर्स के जो आने वाले हैं आंकड़े की संभावना बताई है और उन्होंने बढ़ते बढ़ते 7.7 तक ले जाएगा, ये आज रिजर्व बैंक ने भी अनुमानित किया है। वर्तमान में अगर इन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की वजह से किसी सेक्टर को तत्काल सहायता की आवश्यकता है तो सरकार उसके प्रति सजग भी है और वो चाहे एमएसएमई हो या एक्सपोर्ट सेक्टर हो या फिर हमारी नॉन फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा हो। और आज मैं इस मंच से फिर एक बात दोहराना चाहूंगा और आपके माध्यम से जल्दी पहुंचेगा कि बदलती हुई देश की अर्थव्यवस्था में अब ईमानदारी को प्रीमियम मिलेगा। ईमानदारों के हितों की सुरक्षा की जाएगी। मैं जानता हूं कि जो लोग मुख्य धारा में लौट रहे हैं
ऐसे कुछ व्यापारियों के मन में एक डर रहता है कि कहीं ये नए कारोबार को देख करके पुराने की कल्पना कह करके पुराने रिकॉर्ड का तो नहीं खगोले जाएंगे। मैं फिर एक बार विश्वास दिलाता हूं, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। क्योंकि पहले सरकार, सरकारों के नियम, लोगों का आचरण, ये सब ऐसा था, शायद करना पड़ा होगा, और उस मात्र के उसके कारण अब आपको सही धारा में आने से रोकना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है। और इसलिए हमारी सरकार का इरादा है कि जितने लोग ईमानदारी की मुख्य धारा में आना चाहता है उनके लिए स्वागत है, और पुरानी चीजों को वहीं छोड़ करके आइए, आप चिंता कर मत कीजिए, आगे के लिए हम आपके साथ रहेंगे। उसी प्रकार से मैं आज जीएसटी के संबंध में भी कहना चाहता हूं, 3 महीने हुए हैं, 3 महीने के बाद क्या हो रहा है क्या नहीं, हर चीज को हमने भली भांति देखा है, बारीक से बारीक चीजों के फीडबैक लिए हैं, और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के लिए मैंने उनसे कहा है कि अब 3 साल हो गए हैं, हम पूरी तरह उसका रिव्यू करें, और जहां जहां बॉटलनेक है, कठिनाई यहां है, व्यापारी आलम को दिक्कत है, टेक्नोलॉजी की दिक्कत है, फॉर्म भरने की दिक्कत है, जो भी दिक्कत है उसको एक बार रिव्यू किया जाए, और सभी पॉलिटिकल पार्टियां, सभी सरकारें, क्योंकि सभी राज्य सरकार में कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है, मिल करके इसको क्या बदलाव करने की आवश्यकता होगी उस पर करें। और मैं देश के व्यापारी आलम को विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम लकीर के फकीर नहीं है, और हम कभी ये दावा नहीं करते सब ज्ञान हमको ही है, लेकिन सही दिशा में जाने का प्रयास है। जहां कहीं रुकावटें हैं, 3 महीने में जो अनुभव आया है उसके आधार पर आवश्यक जो भी बदलाव करना होगा, सुधार करना होगा, ये सरकार आपके साथ है। साथियों, वर्तमान आर्थिक स्थिति की चर्चा करते हुए मैं कुछ जानकारियां आपके सामने रखना चाहता हूं। इन जानकारियों से क्या मतलब निकलता है उसका निर्णय मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं, मैं मेरे देशवासियों पर छोड़ रहा हूं। साथियों, मुझे पक्का यकीन है कि जब आपने अपनी पहली गाड़ी खरीदी थी, मैं नहीं मानता हूं कि आप में से किसी ने उसको मजबूरी में खरीदा होगा। गाड़ी खरीदने से पहले आपने रसोई का बजट देखा होगा, बच्चों की पढ़ाई का खर्च देखा होगा, बड़े बुजुर्गों की दवाई का खर्च देखा होगा, और इसके बाद अगर पैसे बचते हैं तो जाकर घर या गाड़ी के बारे में सोचा होगा। सीधी सीधी बात है, ये हमारे समाज की बहुत बेसिक सोच है कि ऐसे में अगर देश में जून महीने के बाद पैसेंजर कारों की बिक्री में अगर 12% वृद्धि हुई है तो आप उसको क्या कहेंगे भाई? आप क्या कहेंगे जब आपको पता चलेगा कि जून के बाद कॉमर्शियल गाड़ियों की बिक्री में 23% से ज्यादा वृद्धि हुई है? आप क्या कहेंगे जब देश में 2 पहिया वाहनों की बिक्री में 14% से ज्यादा वृद्धि हुई है? आप क्या कहेंगे जब डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक, हवाई जहाज में जाने वाले यात्रा करने वालों की संख्या में पिछले 2 महीने में 14% वृद्धि हुई है? आप क्या कहेंगे जब अंतर्राष्ट्रीय एयर फ्रेट ट्रैफिक यानी हवाई जहाज के जरिए माल ढुलाई में लगभग 16% वृद्धि हुई है? आप क्या कहेंगे जब देश में
टेलीफोन सब्सक्राइबर में 14% से ज्यादा वृद्धि हुई है। साथियों, ये वृद्धि के संकेत दे रही है कि लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, फोन कनेक्शन ले रहे हैं, हवाई यात्राएं कर रहे हैं। ये इंडिकेटर्स शहरी क्षेत्रों में डिमांड की ग्रोथ को दर्शाते हैं। अब अगर ग्रामीण डिमांड से जुड़े इंडिकेटर्स को देखें तो हाल के महीनों में ट्रैक्टर की बिक्री में 34% से ज्यादा वृद्धि हुई है। एफएमसीजी के क्षेत्र में भी डिमांड ग्रोथ का ट्रेंड सितंबर महीने में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथियों, ऐसा तब होता है जब देश के लोगों का विश्वास बढ़ता है, जब देश के लोगों को लगता है कि अर्थव्यवस्था मजबूत है। अभी रिलीज हुआ पीएमआई का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स एक्सपेंशन मोड ये दर्शा रहा है कि फ्यूचर आउटपुट इंडेक्स तो साइड का आंकड़ा पार कर चुका है। हाल में आए आंकड़ों को देखें तो कोयले, बिजली, स्टील और नेचुरल गैस के प्रोडक्शन में काफी अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है। साथियों, पर्सनल लोन के डिस्पर्सल में तेज वृद्धि देखी जा रही है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के द्वारा दिए गए लोन में भी काफी वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, कैपिटल मार्केट में अब म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस में अधिक निवेश हो रहा है। कंपनियों ने आईपीओ के द्वारा इस साल पहले 6 महीने में ही 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मोबिलाइज की है। पिछले साल पूरे वर्ष में यह राशि 29,000 करोड़ तक ही पहुंची थी। नॉन फाइनेंशियल एंटिटीज में कॉरपोरेट बॉन्ड और प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा सिर्फ 4 महीने में ही 45,000 करोड़ रुपयों का निवेश किया गया है। ये सारे आंकड़े देश में फाइनेंसिंग के ब्रॉड बेस को दर्शाते हैं, यानी भारत में अब फाइनेंसिंग केवल बैंकों के लोनों तक सीमित नहीं रह गई है। इस सरकार ने समय और संसाधन दोनों के द्वारा उसका सही इस्तेमाल पर लगातार जोर दिया है। पिछली सरकार के 3 साल के काम की रफ्तार और हमारे सरकार के 3 साल के काम की रफ्तार का फर्क आपको साफ साफ नजर आएगा। ये रोड देख लीजिए, पिछली सरकार के आखिरी 3 सालों में गांवों में 80,000 किलोमीटर सड़क बनी थी 3 साल में। हमारी सरकार ने 3 साल में 1,20,000 किलोमीटर सड़क बनाई। यानी 50% से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ है। पिछली सरकार ने अपने आखिरी के 3 साल में 15,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने का काम अवार्ड किया था। हमारी सरकार ने अपने 3 साल में 34,000 किलोमीटर से ज्यादा नेशनल हाईवे बनाने का काम अवार्ड किया। कहां 15,000, कहां 34,000। अगर इसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो पिछली सरकार ने अपने आखिरी के 3 वर्षों में भूमि लेने और सड़कों के निर्माण पर 93,000 करोड़ की राशि खर्च की थी। इस सरकार में ये राशि बढ़कर 1,83,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। यानी लगभग 2 गुना इन्वेस्टमेंट इस सरकार ने करके दिखाया है।
आपको भी पता होगा कि हाईवेज के निर्माण में सरकार को कितने प्रशासनिक और वित्तीय कदम उठाने पड़ते हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि कैसी सरकार ने पॉलिसी पैरालिसिस से निकल करके पॉलिसी मेकर और पॉलिसी इंप्लीमेंटर का रोल अदा करके दिखाया है। अगर इसी तरह हम रेलवे सेक्टर की बात करें तो पिछली सरकार के आखिरी 3 वर्षों में लगभग 1100 किलोमीटर नई रेल लाइन का निर्माण हुआ था। इस सरकार ने 3 वर्षों में 1100 से 2100 किलोमीटर से ज्यादा तक पहुंच गए, यानी हमने लगभग 2 गुनी गति से नई रेलवे लाइन बिछाई है। पिछली सरकार के आखिरी 3 सालों में 1300 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण हुआ, डबल लाइन, जबकि इस सरकार में 3 साल में 2600 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण हुआ, यानी हमने 2 गुनी रफ्तार में रेल लाइनों का दोहरीकरण करके दिखाया है। साथियों, पिछली सरकार के आखिरी 3 वर्षों में लगभग 1,49,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया था। इस सरकार के 3 वर्षों में लगभग 2,64,000 करोड़ रुपये का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया, यानी ये भी 75% से ज्यादा है। अगर मैं अब रिन्यूअल एनर्जी की बात करूं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और उसके विकास की मैं चर्चा करूं, पिछली सरकार के आखिरी 3 वर्षों में कुल 12,000 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की नई क्षमता जोड़ी गई थी, 12,000 मेगावाट। अगर इस सरकार के 3 सालों की बात करें तो 22,000 मेगावाट से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी की नई क्षमता को ग्रिड पावर से जोड़ा गया है, यानी यहां भी सरकार का परफॉर्मेंस लगभग 2 गुना अच्छा है। पिछली सरकार ने अपने आखिरी के 3 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी पर 4,000 करोड़ रुपया खर्च किया था। हमारी सरकार ने अपने 3 साल में इस सेक्टर पर 10,600 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किया है। सरकार की तुलना में शिपिंग इंडस्ट्री में विकास की बात करें तो जहां पहले कार्गो हैंडलिंग की ग्रोथ नेगेटिव थी, वहीं इस सरकार के 3 सालों में 11% से ज्यादा वृद्धि हुई है। साथियों, देश के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े रेल, सड़क, बिजली जैसे महत्वपूर्ण सेक्टरों के साथ साथ सरकार सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करने पर पूरा ध्यान दे रही है। हमने अफोर्डेबल हाउसिंग के क्षेत्र में ऐसे ऐसे नीतिगत निर्णय लिए हैं, वित्तीय सुधार किए हैं जो इस क्षेत्र के लिए अभूतपूर्व है। साथियों, पिछली सरकार ने अपने पहले के 3 वर्षों में सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी, 15,000 करोड़। इस सरकार ने अपने पहले के 3 वर्षों के में 1,53,000 करोड़ रुपयों की परियोजना को मंजूरी दी, और ये वो प्रोजेक्ट हैं जो गरीबों को, मध्यम वर्ग को घर देने के हमारे कमिटमेंट को, उस कमिटमेंट की ताकत दिखाता है। साथियों, देश में हो रहे इन चौतरफा विकास कार्यों के लिए अधिक पूंजी निवेश की भी आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा विदेशी पूंजी कैसे भारत आए, इस पर भी सरकार बल दे रही है। मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ को याद होगा कि जब देश में इंश्योरेंस सेक्टर के रिफॉर्म की चर्चा हुई थी
तो अखबारों में हेडलाइन बनती थी, मैं पिछली सरकार की बात करता हूं, हेडलाइन बनती थी कि अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ा आर्थिक रिफॉर्म माना जाएगा। खैर पिछली सरकार नहीं कर पाई, वो सरकार चली गई। लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म नहीं हुआ। बहुत अच्छे काम है वो हमारे लिए छोड़ के गए हैं। ये रिफॉर्म हमने किया, इस सरकार में हुआ, और पहले जो मानसिकता से उसे काफी अच्छा किया और अधिक किया, लेकिन वो शैल्य वृत्ति का की समस्या है कि उनको ये रिफॉर्म नजर ही नहीं आया। जो कभी हेडलाइन हुआ करता था कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, होने के बाद शैल्य वृत्ति रुकावट बन गई, क्योंकि ये पसंद इसलिए नहीं आता है, ये रिफॉर्म उस दौर में नहीं हुआ, लेकिन उनकी पसंद की सरकार ने नहीं किया, इसलिए उन्हें ये रिफॉर्म अब रिफॉर्म बड़ा नहीं लगता है। और जो लोग रिफॉर्म रिफॉर्म के गीत गाने वालों को भी मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 3 वर्षों में 21 सेक्टर्स में 87 छोटे बड़े रिफॉर्म करने का काम इस सरकार ने करके दिखाया है। चाहे कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, चाहे फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग का हो, जैसे कितने ही सेक्टरों में निवेश के नियमों में बड़े बदलाव हुए हैं। देश के आर्थिक क्षेत्र को खोलने के बाद से लेकर अब तक जितना विदेशी निवेश भारत में हुआ है, उसकी तुलना अगर पिछले 3 वर्षों में हुए निवेश के साथ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी सरकार जो रिफॉर्म कर रही है उसका नतीजा क्या मिल रहा है। ये जो मैं आंकड़े बताने वाला हूं, आप इस क्षेत्र के हैं, आप इसी क्षेत्र में डूबे हुए लोग हैं, लेकिन अब जो मैं आंकड़े दे रहा हूं, मैं बिल्कुल बताता हूं, आप चौंक जाएंगे। 92 लिबरलाइजेशन के 92 के बाद लिबरलाइजेशन का कालखंड शुरू हुआ, अगर मैं उसको एक आधार मानूं तो क्या स्थिति है उसका हिसाब देखिए। लिबरलाइजेशन से लेकर के 2014 तक और 2014 से 17 तक क्या हुआ है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अब तक के टोटल विदेशी पूंजी निवेश का 75% सिर्फ इस 3 साल में आया है। एयर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी अब तक के टोटल विदेशी पूंजी निवेश का 69% पिछले 3 वर्ष में आया। माइनिंग सेक्टर में अब तक के टोटल विदेशी पूंजी निवेश का 56% पिछले 3 साल में आया है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में भी अब तक के टोटल विदेशी पूंजी निवेश का 53% पिछले 3 वर्ष में आया है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में भी अब तक के टोटल विदेशी पूंजी निवेश का 52% इसी सरकार ने 3 वर्षों में हासिल किया है। रिन्यूएबल एनर्जी, इस सेक्टर में भी अभी तक के कुल विदेशी पूंजी निवेश का 49% इसी सरकार के 3 साल में देश ने प्राप्त किया। टेक्सटाइल सेक्टर में अब तक के कुल विदेशी पूंजी निवेश का 45% इन 3 साल में आया है। और एक चौंकाने वाली बात बताता हूं, 1980 से हमारे यहां ऑटोमोबाइल में लिबरलाइजेशन की चर्चा रही है, 80 से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री
जिसमें पहले से ही काफी विदेशी पूंजी निवेश हो चुका है, उस सेक्टर में भी, ये आपको हैरानी होगी सुनकर के, उस सेक्टर में भी कुल विदेशी पूंजी निवेश का 44% इसी 3 साल में आया है। भारत में एफडीआई इनफ्लो का बढ़ना इस बात का सबूत है कि विदेशी निवेशक देश की अर्थव्यवस्था पर कितना भरोसा कर रहे हैं। एक सरकार ने विश्वास पैदा किया है, इसी का ही नतीजा है। नीतियों के कारण विश्वास पैदा हुआ है, नीति और रीति के कारण पैदा हुआ है, और उससे भी ऊपर हमारी नीयत के कारण पैदा हुआ है। ये सारे निवेश देश के विकास की गति को तेज करने और जॉब क्रिएशन में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इतने रोड बनना, इतनी रेल बढ़ना, इतनी ये वृद्धि होना, क्या जॉब क्रिएट नहीं होते हैं क्या? ऐसे ही हो गया होगा क्या? लेकिन अब शैल्य वृत्ति चल रही है, साथियों, मेहनत से कमाए गए आपके एक एक पैसे की कीमत ये सरकार भली भांति समझती है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, और इसलिए सरकार की नीतियां और योजनाओं में इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि वो गरीबों और मध्यम वर्गों की जिंदगी को आसान बनाए, उनके पैसों की बचत हो। साथियों, ये सरकार की लगातार कोशिश का ही नतीजा है कि पिछली सरकार के समय, अब ये भेद देखिए, इससे मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का पैसा कितना बच रहा है। पिछली सरकार के समय जो एलईडी बल्ब था उसकी कीमत 350 रुपया थी, अब इसकी कीमत, सरकार ने उजाला स्कीम का बड़ा अभियान चलाया, 350 का एलईडी बल्ब 40-45 रुपए में आ गया। अब मुझे बताइए, जो एलईडी बल्ब खरीदने वाला मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय है, उसका जेब में पैसा बचा कि नहीं बचा? उसको मदद हुई कि नहीं हुई? और अब समझ में नहीं आता कि उस समय 350 क्यों थे, अब वो खोज का विषय है। साथियों, अब तक देश में 26 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब बांटे गए हैं। अगर एक बल्ब की कीमत में औसतन 250 रुपये की भी कमी माने तो देश के मध्यम वर्ग को इससे लगभग 6,500 करोड़ रुपए की बचत हुई है। ये छोटा आंकड़ा नहीं है, इतना ही नहीं, ये बल्ब हर घर में बिजली की खपत कम कर रहे हैं, तो इससे बिजली का कंजम्पशन कम होता है, और बिजली कम कर रहे हैं, और इससे भी देश के मध्यम वर्ग में सिर्फ एक साल में ये एलईडी बल्ब लगाने वाले परिवारों में, एक साल में देश में करीब करीब 14,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा अनुमानित राशि का बचत हुई है जी, 14,000 करोड़। पहले मैंने बताया एलईडी बल्ब खरीदी में 6,000, बिजली कंजम्पशन में 14,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपये करीब करीब बचना, ये अपने आप में मध्यम वर्गीय परिवारों में कितनी ताकत देता है। सरकार की कोशिश की, और उसके वजह जहां लोकल बॉडीज है, अपनी स्ट्रीट लाइट, जो लोकल बॉडीज की जो स्ट्रीट लाइट है उसमें भी एलईडी बल्ब लग रहे हैं, काफी शहरों ने लगाया है, उन नगर पालिका महानगर पालिकाओं को भी आर्थिक फायदा हो रहा है।
अगर हम टायर टू सिटी देखें, जिसका एक मोटा मोटा मैं अंदाज करता हूं, तो करीब करीब सालाना उनका बिजली बिल 10 से 15 करोड़ रुपए कम हुआ है। 10-15 करोड़ रुपए एक नगर पालिका में खर्चा कम होने का मतलब उस नगर के अंदर सुविधाएं बढ़ाने के लिए उसके पास आर्थिक व्यवस्था पनपी है। सरकार ने मध्यम वर्ग को घर बनाने के लिए पहली बार हमारे देश में मध्यम वर्ग को घर बनाने में ब्याज में कभी भी राहत नहीं थी। पहली बार ये सरकार है जिसने मध्यम वर्ग के लोगों को अपना घर बनाने के लिए ब्याज के अंदर मदद करने के लिए फैसला किया है। मध्यम वर्ग का बोझ कम करने, निम्न मध्यम वर्ग को अवसर प्रदान करने और गरीबों का सशक्तिकरण करने के लिए ये सरकार लगातार ठोस कदम उठाती रहती है। नीतियां बनानी होती है और उसे समयबद्ध तरीके से लागू भी करना होता है, और इस मकसद को पूरा करने के लिए हम हर कदम उठाते रहे हैं। मैं जानता हूं राजनीति का स्वभाव में भली भांति समझता भी कि रेवड़ी बांटने के बजाय चुनाव आए रेवड़ी बांटो, लेकिन क्या रेवड़ी बांटने के बजाय भी देश को मजबूत करने के लिए कोई और रास्ता नहीं हो सकता है? क्या सिर्फ सत्ता और वोट की ही चिंता करेंगे? हमने वो रास्ता चुना है, कठिन है लेकिन वो रास्ता चुना है, और उसमें हम एम्पावरमेंट ऑफ पीपल उसको हम कर रहे हैं, और उसके कारण मेरी आलोचना भी होती है क्योंकि रेवड़ी बांटो तो जय जयकार करने वाले बहुत लोग हो जाते हैं, मेरी आलोचना भी होती है, बहुत आलोचना होती है। हितधारक तत्वों को कभी तकलीफ होती है। अगर मैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पैसे भेजता हूं तो कई जो भूतिया लोग, गोस्ट लोग फायदा उठाते थे, अब उनके नाम कमी हो गए, तब वो मोदी को पसंद कैसे करेगा जी? और इसलिए हम सामान्य मानवी को एम्पावर करना, देश के सामान्य नागरिक को एम्पावर करना, उस पर बल दे रहे हैं। और मैं एक बात देशवासियों के सामने नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि मैं अपनी वर्तमान की चिंता में, देश के भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकता। साथियों, इस सरकार ने प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के साथ पर्सनल सेक्टर पे भी जोर दिया है, वरना हमारे देश में दो ही प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, इसी की चर्चा हो रही। एक और भी आयाम है पर्सनल सेक्टर, उसका भी उतना ही तवज्जो होना चाहिए। पर्सनल सेक्टर जो लोगों की पर्सनल एस्पिरेशन से जुड़ा हुआ है, और इसलिए ये सरकार ऐसे नौजवानों को हर संभव मदद दे रही है जो अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं, अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। मुद्रा योजना से बिना बैंक गारंटी 9 करोड़ से ज्यादा खाता धारकों को 4.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज दिया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं विदाउट गारंटी 9 करोड़ लोगों को 4.25 लाख करोड़ रुपया, और इन 9 करोड़ में से 2.63 करोड़ नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार बैंकों से कारोबार के लिए मुद्रा योजना से ये धन पाया है, कर्ज लिया है। सरकार स्किल इंडिया मिशन, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से भी स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉर्मल सेक्टर में लाने के लिए कंपनियों को आर्थिक प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है।
साथियों, फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट के कुछ इंडिकेटर्स को देखें तो मार्च 2014 के अंत में ऐसे 3,26,00,000 कर्मचारी थे जो सक्रिय रूप से एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में हर महीने पीएफ का पैसा जमा करा रहे थे। ये आंकड़ा याद रखना। पिछले 3 साल में ये संख्या बढ़कर के 4,80,00,000 पहुंच गई है। कुछ लोग शल्य यह भी भूल जाते हैं कि बिना रोजगार बढ़े ये संख्या कभी बढ़ती नहीं है। साथियों, हम सारी योजनाओं को उस दिशा की तरफ ले जा रहे हैं जो गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग की जिंदगी में क्वालिटेटिव चेंज लाए। जनधन योजना के तहत अब तक 30 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक अकाउंट खोले जा चुके हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं से को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। लगभग 15 करोड़ गरीबों को सरकार की बीमा योजनाओं के दायरे में लाया गया है। कुछ दिन पहले ही हर गरीब को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने के लिए सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई है। इस सरकार की सारी योजनाएं गरीबों को सशक्त कर रही हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी चीज से होता है तो वो है भ्रष्टाचार, वो है काला धन। भ्रष्टाचार और काले धन पर रोक लगाने में आपके संस्थान और देश की कंपनी सेक्रेटरीज की बहुत बड़ी भूमिका है। नोटबंदी के बाद जिन 3,00,000 संदिग्ध कंपनियों के बारे में पता चला था, जिनके माध्यम से काले धन का लेन देन किए जाने की आशंका है, उनमें से 2,10,000 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है। हमारे देश में एक कंपनी भी अगर बंद करो ना तो काले झंडों के जुलूस निकलते हैं। 2,10,000 किया, कुछ समाचार ही नहीं आ रहा है, न कोई मोदी का पुतला जला रहा है। यानी कितने झूठी दुनिया चली होगी आप कल्पना कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि शैल कंपनियों के खिलाफ इस सफाई अभियान के बाद डायरेक्टरों में भी जागरूकता बढ़ेगी और इसके असर से कंपनियों में पारदर्शिता भी आएगी और आप उस भूमिका को बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे। साथियों, देश के इतिहास में यह कालखंड बहुत बड़े परिवर्तन का है, बहुत बड़े बदलाव का है। देश में ईमानदार और पारदर्शी शासन का महत्व समझा जाने लगा है। कॉरपोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क के निर्धारण के समय ICSI रिकमेंडेशंस की काफी सकारात्मक भूमिका रही थी। अब समय की मांग है कि आप एक नया बिजनेस कल्चर पैदा करने में भी सक्रिय भूमिका निभाएं। GST लागू होने के बाद इनडायरेक्ट टैक्स के दायरे में 19,00,000 नए नागरिक आए हैं। छोटा व्यापारी हो या बड़ा, GST में समाहित ईमानदार व्यवस्था को अपनाएं। इसके लिए व्यापारी वर्ग को प्रेरित करते रहना, ये मेरी आप सबसे अपेक्षा है। आपके संस्थान में लाखों छात्र जुड़े हुए हैं और सब कोई आखिरी तक पहुंचते नहीं है। तो उनके लिए भी तो काम ढूंढना चाहिए ना, जो बीच में लटक जाते हैं
उनके लिए मैं काम ले आया। क्या आपका संस्थान ये बीड़ा उठा सकता है? लेकिन मैंने बताया तो नहीं कौन सा। कम से कम 1,00,000 नौजवानों को जीएसटी से जुड़ी छोटी छोटी जानकारियों की ट्रेनिंग दें। हफ्ते 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद ये छात्र अपने अपने इलाकों में छोटे छोटे दुकानों को मदद कर सकते हैं, उन्हें जीएसटी नेटवर्क से जोड़ने पे काम कर सकते हैं, रिटर्न फाइन करने में काम कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, उनका एक नया रोजगार का क्षेत्र खुल सकता है। और बहुत आसानी से उनकी कमाई अपने इलाके में शुरू हो जाएगी। और अगर ऑर्गेनाइज वे में इस काम को आप उठाते हैं, आप देखिए शायद 1,00,000 भी कम पड़ जाएंगे। साथियों, 2022 में देश आजादी के 75 साल बनाएगा और हमारे दिल में एक सपना होना चाहिए कि जिन महापुरुषों ने देश की आजादी के लिए अपनी जवानी खपा दी, मौत को गले लगाया, जिंदगी जेलों में बिता दी, आजीवन संघर्ष करते रहे, मां भारती के लिए अनेक सपने देखे हुए थे। 2022 में उस आजादी के 75 साल हो रहे हैं। हर हिंदुस्तानी के लिए 2022 ऐसा ही सपना होना चाहिए कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के समय देशवासियों के अंदर एक जार आया था कि अब तो अंग्रेजों को निकाल के रहेंगे, हम भी 2022 75 साल के लिए ऐसे कुछ सपनों को लेकर के चले। क्या आपका संस्थान, अगर मैं उनसे कुछ वादा चाहूं, मैं नहीं चाहता हूं आज ही मुझे हां कर दीजिए, लेकिन आप सोचिए, क्या आप 2022 तक कुछ संकल्प ले सकते हैं क्या? उन वादों में आपके संकल्प होंगे और उन संकल्पों को आप ही को सिद्ध करना होगा। क्या आप 2022 तक देश को एक हाई टैक्स कंप्लायंट सोसाइटी बनाने का बीड़ा उठा सकते हैं? क्या आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि 2022 तक देश में एक भी सेल कंपनी नहीं रहेगी? क्या आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि 2022 तक देश में हर कंपनी ईमानदारी से टैक्स भरेगी? तालियां कम हो गई। वो कठिन काम था। क्या आप अपनी मदद का दायरा बढ़ाकर 2022 तक देश में एक ईमानदार बिजनेस कल्चर स्थापित कर सकते हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि 49 साल की यात्रा आपने पूरी की है, गोल्डन जुबिली वर्ष की शुरुआत है। ICSI इन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए अलग कुछ दिशा निर्देश तय करेगा और उन्हें अपनी कार्य संस्कृति में भी शामिल करेगा। मैं आपको इस गोल्डन जुबिली ईयर के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और मैं देशवासियों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं पिछले कुछ दिनों में आर्थिक विषयों पर हमारी जो आलोचना हुई है, उन आलोचनाओं को हम बुरा नहीं मानते हैं। हम एक संवेदनशील सरकार है, हम कठोर से कठोर आलोचना का भी हृदय से स्वीकार करते हैं
और उचित स्थान पर संवेदनापूर्ण तरीके से उन आलोचनाओं पर भी गंभीरता से सोच करके और पूरी नम्रता के साथ देश की अर्थव्यवस्था को आज पूरा विश्व भारत की तरफ जो अपेक्षाएं कर रहा है, 125 करोड़ देशवासी जो अपेक्षा कर रहे हैं, उसी रिदम से, उसी तेज गति से, उसी व्याप से चला के रहेंगे, ये मैं हमारे आलोचकों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, नम्रतापूर्वक विश्वास दिलाना चाहता हूं। आलोचकों की हर बात गलत होती है, ऐसा हम मानने वाले में से नहीं है, लेकिन देश में निराशा का माहौल पैदा करने से बचना चाहिए। देश में जो ये पैरामीटर मैंने दिखाया, ऐसे कई पैरामीटर है जो भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती का सबूत देते हैं, सरकार की निर्णय शक्ति का सबूत देते हैं, सरकार की दिशा और गति का सबूत देते हैं, और देश और दुनिया में भारत के प्रति जो विश्वास बढ़ा है उसकी भरी भांति उसमें ताकत नजर आती है। इसको हम नजरअंदाज न करें और हम नए भारत के निर्माण के लिए नया उत्साह, नया उमंग, नया विश्वास, नई संस्कृति चल पड़े। मैं भी आप लोगों को गोल्डन जुबली के लिए बहुत बहुत बधाई देते हुए, आप इस क्षेत्र के होने के कारण मेरा मन कर गया इन्हीं विषयों पर आज आपसे चर्चा करूं और इस बातों को आपके माध्यम से देशवासियों तक पहुंचेगी, इसी एक विश्वास के साथ फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।